हाय गाइस, तो क्या हाल है। मैं हूँ आउटलुक टॉक्स। तो भाई आज मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरीज है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्यार से। तो चलिए फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं नोमैड शुभम के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने इनके बारे में स्टोरी कवर किया था कि वह अपने चैनल पर अफगानिस्तान ब्लॉग्स अपलोड कर रहे थे एंड अफगानिस्तान का करंट सिचुएशन सुन के कि दे हैव बीन कैप्चर्ड बाय तालिबान। यह न्यूज़ सुनकर उनके फैंस वर प्रीटी वरिड अबाउट हिम कि वह अफगानिस्तान में ही तो नहीं रह गए, बट उन्होंने क्लियरली बता दिया करंटली अभी वह रशिया में है एंड अफगानिस्तान से निकल चुके हैं एंड ही इज़ कम्प्लीटली सेफ। बट आज उन्होंने अपने चैनल पर एक और वीडियो अपलोड किया है, मैसेज फ्रॉम अफगान टू इंडियंस। इसमें उन्होंने दिखाया कि जब वह ट्रिप पर गए थे, अफगान ट्रिप पर, तो एक ड्राइवर फ्रेंड्स बने थे उनके, ऑफकोर्स वह लोकल थे, उनको भी अफगानिस्तान से निकलना था। उन्होंने बताया कि कैसे नोमैड शुभम एंड उनके फ्रेंड्स ब्रेडन ने उनका हेल्प किया था फाइनेंशियली टिकट वगैरह खरीदने के लिए ताकि वह बाहर जा पाए। सो यह उन्होंने क्या मैसेज दिया फॉर नोमैड शुभम एंड अस, आप खुद सुन लीजिए। मुझे 3 दिन पहले मैसेज आता है फरहाद भाई का कि भाई आपसे मुझे कुछ हेल्प चाहिए वगैरह। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ। उस समय तक तालिबान ने ऑलमोस्ट मजार शरीफ पे के बॉर्डर तक आ चुका था, मजार शरीफ को ले नहीं चुका था, लेकिन मजार शरीफ ऑलमोस्ट सेम दिन जिस दिन वो निकले थे। मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। मैंने कहा जरूर मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद उन्होंने मतलब मैंने उनकी हेल्प की, वो किसी तरह कंट्री से बाहर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक वीडियो मैसेज भेजा और उन्होंने कहा कि मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आप इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करो। मेरे साथ पैसा भी ख़त्म हो गया और मेरे टिकट भी नहीं था क्योंकि बॉर्डर टिकट आपके पास अगर हेलीकॉप्टर तैयारी के टिकट नहीं होगा आपको इजाज़त नहीं देगा। ये बोलूँ थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू ब्रेडन के मेरे खातिर ब्रेडन ने पैसा भिजवाया कि मैं अफगानिस्तान से इधर आ जाऊँ और शुभम ने मेरे खातिर टिकट बुक किया और मैं क्या कहूँ, मेरा जिंदगी को उन्होंने उन लोगों को बचा लिया। क्यों और इंडिया वालों ये बात समझ लो आप बहुत ज्यादा। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। सो आशीष चंचलानी अजय देवगन के साथ लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम पर एंड बीच में उनका थोड़ा सा कैरी मिनाटी के बारे में भी बात हुआ था। इफ़ यू डोंट नो, कैरी मिनाटी विल बी इन अ मूवी विद अजय देवगन। इसका नाम होगा मे डे। ऑफकोर्स इसको आने में अभी बहुत टाइम है, नेक्स्ट ईयर आएगा प्रोबेबली वो। बट हाँ, उन्होंने क्या बातचीत की है इसके बारे में आप खुद सुन लीजिए। It is based on true events. It's not exactly an action film, but it's a drama. थोड़ा जल्दी है उसके बारे में बात करने के लिए, तो जब सही टाइम होगा तो प्रिंस मेरा दोस्त भी है सर, वो पिक्चर में कह रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा है सर, बहुत बढ़िया, वेरी। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं द UK07 राइडर के बारे में। तो उन्होंने अपने रीसेंट ब्लॉग में बताया कि उनके फैंस रात रात में उनके घर आ जा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स एक सेफ्टी इशू हो जाता है। तो वह अपने फैंस से कुछ रिक्वेस्ट किए, आप खुद सुन लीजिए वह क्या कहे। एंड अगर हम लोग बाहर कार रखेंगे ना तो कोई ना कोई उसे पक्का छेड़ेगा, बिकॉज मैं अपने पुराने ब्लॉग में भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मेरे घर मत आओ, फिर भी यार कोई मान ही नहीं रहा है। लोग रात के 8 और 9 बजे मेरे घर आ रहे हैं गाइस, मेरे घर वालों को भी प्लीज दिक्कत हो रही है। प्लीज गाइस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ घर पे मत आओ, मेरे को ना बहुत ज्यादा टेंशन हो चुका है अपने घर वालों का, इसलिए मैंने अपने घर में 2 सिक्योरिटी कैम और इंस्टॉल कराए हैं। मुझे पता है सब लोगों को फोटोज खिंचानी होती है, बट गाइस जब आप बाहर मिलेंगे तो हम लोग आराम से फोटोज भी खिंचाएंगे और साथ ब्लॉग भी। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल बताया कि उनका नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है एंड ऑल्सो अपनी वेब सीरीज के बारे में बात किए। जी हाँ, वह एक वेब सीरीज में आने वाले हैं जिसके 10 एपिसोड्स आने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। देखो भाई, जो DM कर रहे हैं कि जैसे का कब आएगा, जैसे का पार्ट 2 कब आएगा, तो मैं इधर चंडीगढ़ में हूँ, इधर वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ। तो जब तक वेब सीरीज खत्म नहीं होती मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, और जब दिल्ली जाऊँगा तो मैं उस पर म्यूजिक करूँगा, तो उसके बाद ही आएगी। और कुछ 6-7 दिन बचे हैं जब मैं दिल्ली जाऊँगा, तो तब तक का वेट कर लो, परेशान मत हो, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हो इसलिए मैं सोचा अभी बता दूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा, 6-7 दिन जितने हैं, उसके बाद मैं जाऊँगा एडिटिंग करूँगा, जो थोड़ी सी बची है, जस्ट थोड़ी सी बची है, 10% बची है बस, तो वो डाल दूंगा, ठीक है। वरना प्लान तो था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, बट फिर मैंने वेब सीरीज साइन कर दी। अब मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे 10 एपिसोड आएंगे वेब सीरीज के, तो आपको अच्छा लगेगा ना यार कि मैं एक वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ, 10 एपिसोड है, फनी है, बढ़िया एक्टिंग देखने को मिलेगी, एक साथ 10 मिल रहे हैं, ठीक है। तो बस वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। बाकी सेकेंड पार्ट
तो चलिए कुछ गेमिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रयू बी के बारे में। तो करीब 6 दिन पहले उन्होंने अपने कम्युनिटी टैब में यह पोस्ट किया, फेस रिवील्ड क्वेश्चन मार्क, एंड देन उसके बाद अपने एक रिसेंट वीडियो में उन्होंने यह कहा, हेलो गाइस दैट्स मी, फेस रिवील डन, या फेस रिवील करूंगा मैं, सुनो के सुन नहीं मैं ना जल्दी अभी करने वाला हूँ। तो जैसा कि वह हिंट दे रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनका फेस रिवील्ड वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो चलिए कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सियामंद एंड शहादत के बारे में। यह बहुत ही बड़े यूट्यूबर्स हैं फ्रॉम इजिप्ट विद ऑलमोस्ट 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्यों? तो एक हफ्ता पहले उन्होंने कंट्रोवर्शियल वीडियो अपलोड किया था, बेसिकली इट वाज अ जेंडर रिवील्ड वीडियो। एंड अगर आप नहीं जानते हैं कि जेंडर रिवील्ड वीडियो क्या होता है, तो जब भी एक कपल गोइंग टू हैव अ बेबी और उनको रिवील करना होता है उनके बेबी का जेंडर, तो वो ब्लू या पिंक से सिग्नलाइज करते हैं कि उनका बेबी कौन से जेंडर का होने वाला है। तो इस वीडियो में उन्होंने रिवील किया था कि वह पिरामिड में ब्लू या पिंक कलर फ्लैश करवाएंगे, विच विल सिग्निफाइज देयर बेबीज जेंडर। इस वीडियो में उन्होंने दिखाया था पिरामिड फ्लैश विद ब्लू कलर। वह अपनी वीडियो में कहे कि वह बहुत मुश्किल से इधर उधर बात करके पिरामिड में परमिशन लिए हैं फ्लैश करवाने का लाइट, बट बाद में पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इजिप्ट उस दिन ब्लू एंड ऑरेंज कलर फ्लैश करवाए थे पिरामिड में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लिवर डे एंड ऑल्सो ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइट सी इन द इजिप्ट। एक इजिप्शियन ऑफिशियल इंचार्ज भी बोले कि प्राइवेट पार्टीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नियर द पिरामिड एंड इन पिरामिड्स को आप एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ने अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में ट्वीट करते हुए यह कहा, ओवर $1 million 12th डेज ऑफ फिल्मिंग एंड 700 HD कार्ड्स वेंट इनटू आवर अपकमिंग वीडियो, आई कांट वेट टू अपलोड इट। तो MKBHD उनको रिप्लाई करते हुए यह कहे कि आई एम मोस्ट ब्लाउन अवे बाय 700 HD कार्ड्स। तो मिस्टर बीस्ट इसका रिप्लाई देते हुए यह कहे, या वी कुड हैव डम्प्ड फुटेज टू अ हार्ड ड्राइव एंड रीयूज्ड एसडी कार्ड्स एवरी अदर डे, बट आई एम वियर्ड एंड आई डोंट लाइक फुटेज डिलीटेड ऑफ कार्ड्स अंटिल आफ्टर आई अपलोड अ वीडियो, सो आई माइट हैव एक्सीडेंटली कॉज्ड अ एसडी शॉर्टेज विद इन अ 4 hours रेडियस ऑफ वेयर आई लिव। बाय लिसनिंग टू दिस आई एक्सपेक्टिंग कि यह वीडियो लेजेंडरी होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो अभी कर दे बिल्कुल। तो चले बाय।